नमस्कार, ओम शांति। आज शाम का समय है, सायंकाल का समय, 7:30 से 8 बजे के बीच में ये रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन आज इंटरनेट की प्रॉब्लम है। तो देखें आपके पास तक ये आज पहुंचता है वरदान कि कल तक पहुंचता है, लेकिन ये है 262 दिन का वरदान। हो सकता है कल आपको दो दो वरदान मिले एक ही साथ, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आज ही अपलोड कर दूँ इसको, वरदान को। तो देखें, परमपिता परमात्मा आज हमें क्या सिखाते हैं, नई चीज़ क्या बातें बताते हैं। बाबा कहते हैं, ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भवा। ईश्वरीय कुल की स्मृति, मैं किसका बच्चा हूँ? ईश्वरीय बच्चा हूँ। ईश्वरीय कुल कौन सा हो गया? ब्रह्म कुमारी गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में जो जो अपने आप को परमपिता परमात्मा की श्रीमद् भगवान की दिए हुए गाइडेंस के अनुसार अपने आप को चलाते हैं, जितना हो सके 100% चलाएं तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बात। जितना परसेंटेज में चलाते हैं, जितना अच्छा पवित्रता से चलते हैं, उतना वो ईश्वरीय कुल के हो गए। तो परमात्मा चाहते हैं कि उस कुल के अनुसार अगर हम चलें तो हमारे सामने कोई भी चीज़ें, बातें, लोग हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकते। इसी को हम अब विस्तार में समझेंगे। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले स्मृति द्वारा समर्थी स्वरूप बनो। स्मृति, मैं कौन हूँ, किसका बच्चा हूँ, किस कुल का हूँ, मुझे शिक्षाएं क्या दी हैं, जब वो याद रहता है। जैसे कि कोई अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो आप उस प्रॉब्लम को, उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन फॉर्मूला नहीं याद रहा तो आप उलझ जाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला याद नहीं रहा। तो यहाँ पर भी अगर हमें ये याद रहे कि हम परमात्मा कुल के हैं, तो हमें परमात्मा ने शांति, सुख, प्रेम फैलाने के लिए क्या फॉर्मूला बताया है, मतलब क्या ज्ञान दिया है, उस अनुसार अगर हम सोचें, बोलें और कर्म करें तो जाकर के हमारे सामने माया, मतलब विघ्न, जो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के हिसाब में आती है, चाहे वो अपने अंदर से आए चाहे किसी और के द्वारा आए, तो हम उस सब चीज़ों का सामना कर पाएंगे। समर्थी आने से माया का सामना करना सहज हो जाएगा। समर्थी मतलब कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी कैसे आएगी? अगर हम याद रखेंगे वो फॉर्मूला क्या है, तो मीठा बोलना है वो फॉर्मूला क्या है, प्यार से बोलना है वो फॉर्मूला क्या है, लोगों को सुख देना है, औरों को शांति देनी है, औरों के दुख मिटाने हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, वो अगर याद रहे, जो कि ज्ञान दिए परमात्मा ने, तो ऑटोमेटिकली समर्थी आ जाएगी। जैसी स्मृति होती है वैसा स्वरूप बन जाता है, इसलिए सदा पावरफुल स्मृति रहे। स्मृति मतलब याद रहे। तो अगर हमें याद रहता है कि परमात्मा ने क्या बोला है, किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है, तो ऑटोमेटिकली सारी सिचुएशंस पार हो जाएंगी। कि जब तक यह ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हूँ। तो अगर हम सोचें, बोलें और कर्म करें ये सोच करके कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ तो मैं ईश्वरीय सेवा पर हूँ, चाहे आप घर में हों, चाहे आप ऑफिस में हों, चाहे आप बिजनेस कर रहे हों, तो आप हर कर्म, हर बोल, हर चीज़ आप सकारात्मक करेंगे और पवित्रता से करेंगे, तो आपके विकर्म नहीं बनेंगे, पाप घटते जाएंगे और पापों का बोझा घटता जाएगा। लेकिन अगर ये स्मृति हम भूल जाते हैं तो पाप बढ़ने शुरू होते हैं, फिर भारीपन आता है, फिर अशांति आती है, फिर रातों की नींद उड़ जाती है, फिर टेंशन, फिर स्ट्रेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम भूल गए परमात्मा ने सिखाया क्या था अभी तक स्पिरिचुअल नॉलेज में। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम उस स्मृति को विस्मृति में ना डालें, जिससे कि हम अपने ही कर्मों के बंधन में फंसते जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं, हमारा यह ईश्वरीय कुल है, यह स्मृति की सीट सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी। कि मैं किस कुल का हूँ? परमात्मा का बच्चा हूँ, तो परमात्मा के ईश्वरीय कुल का हूँ मैं बच्चा। तो मुझे सोचना, बोलना और करना उनके अनुसार करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सिखाई जाती है ब्रह्म कुमारी गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर जाकर के आप भी निःशुल्क सीख सकते हैं। तो आप चाहें और आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि एक्चुअली। ओम शांति।